वो सब ठीक है, लेकिन विदेशों में जो विग बनाने के लिए बाल बेचे जाते हैं, उनसे आने वाले पैसों का क्या? क्या ये श्रद्धा का धंधा नहीं है? कांजी भाई, ऐसा सवाल पूछ के आप इतिहास के प्रति अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन कर रहे हो। भारी मात्रा में विग बनाने की तकनीक हाल ही में विकसित हुई है माय लॉर्ड, परंतु लोग तो हजारों वर्षों से मंदिरों में जाकर अपने बाल अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रथा की स्थापना आपके विग बनाने के लिए नहीं हुई है? और वैसे भी जो बाल हजारों वर्षों से कूड़े में फेंके जा रहे थे, अगर आज उन्हें बेचकर कोई मंदिर धन की प्राप्ति करके प्रसाद का वितरण, भगवान का भव्य श्रृंगार, गुरुकुल की स्थापना और गायों की सेवा करता है, तो इसमें क्या बुरा है? ये श्रद्धा का धंधा नहीं कांजी भाई, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट का धंधा है, ये तो अक्लमंदी की बात है। चलो अजय जी, क्या नाम बताए? अजय कृष्ण जी, माना इन बालों से समाज में कुछ फायदा हो रहा है, परंतु आप मुझे एक बात बताएं, भगवान तो सब जगह है ना? हाँ बिल्कुल। तो मंदिर में जाके उन पत्थर को पूजने की क्या आवश्यकता है? एक बात बताओ, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं? यू मीन टू से भगवान सब जगह है पर मंदिर में नहीं? अजीब बेवकूफी है। कांजी भाई, आप पानी तो पीते होंगे ना? कैसे पीते हो? कैसे पीता हूँ मतलब? मेरा मतलब है आप किस में पानी पीते हो? अरे भाई, जैसे अभी आपने पिया वैसे गिलास में। कांजी भाई, गिलास में ही क्यों पीते हो पानी? पानी तो सब जगह है ना, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन तो हवा में भी है, तो आप डायरेक्टली ऐसा हवा में से ऐसे क्यों नहीं पीते पानी आप? माय लॉर्ड, इस कोर्ट में कैसी पागलों जैसी बातें हो रही है, कोई हवा में से पानी कैसे पी सकता है? एग्जैक्टली कांजी भाई, एग्जैक्टली। जैसे पानी हर जगह है पर उसे पीने के लिए इस गिलास की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह भगवान भी सभी जगह है, परंतु उन्हें मूर्ति रूप में सहजता से पूजा जा सकता है। तो इसका मतलब अजय कृष्ण जी, हम रास्ते में पड़े किसी भी पत्र को पूज सकते हैं? कांजी भाई, आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है क्या? प्रेम पत्र? प्रेम पत्र? हाँ प्रेम पत्र। हाँ लिखा है। तो कांजी भाई, उस जमाने में आपने ईमेल तो नहीं किया होगा ना, तो कैसे डाला आपने? मैंने पोस्ट किया था। पोस्ट किया कहाँ पर? अरे सरकारी पोस्ट बॉक्स में, और कहाँ? पक्का? सरकारी लाल डब्बे के पोस्ट बॉक्स में ही पोस्ट किया? अरे हाँ। पक्का कांजी भाई? अरे हाँ, बोला ना मैंने आपको। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कांजी भाई अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी पोस्ट बॉक्स में ही डालते हैं। माय लॉर्ड, आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर। अच्छा कांजी भाई, सुना है सुनवाई के बाद आपके पास बहुत पैसा आया है। कांजी भाई जरा मुझे 1,000 का नोट तो दो ना। माय लॉर्ड, ये क्या चल रहा है? कांजी भाई दो तो सही, मैं आपको वापस कर दूंगा। ये लो कांजी भाई 1,000 का नोट। अरे क्या ये पागल हो गया है? क्या कांजी भाई, ये तो आपके नोट से भी बड़ा है, पूरे A4 साइज का है। अरे कांजी भाई, आपने मेरा नोट क्यों फाड़ दिया? अरे क्यों मतलब क्या? ये नोट, इसकी कोई वैल्यू है? अरे ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो कांजी भाई, जिस तरह आप कोई भी लाल डब्बे में पत्र नहीं डालते और किसी भी कागज को पैसा नहीं मानते, कांजी भाई उसी तरह हम रास्ते के कोई भी पत्थर को भगवान नहीं मानते। जब तक शास्त्र के द्वारा वो ऑथराइज नहीं किया गया हो, और उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कांजी भाई, प्राण प्रतिष्ठा। माना माना कि मूर्ति रूप में भगवान की पूजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है, जब हजारों भिखारी बार भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, अरे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। जज साहब, ये बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, परंतु जज साहब, मेरा इस कोर्ट से यह प्रश्न है, क्या वाकई मंदिरों और लोगों के भूखे मरने में जरा सा भी संबंध है? अगर हमें वाकई लोगों के भूखे मरने की चिंता है, तो ये बड़े बड़े थिएटर, मॉल, IPL, वर्ल्ड कप, फिल्म फेयर अवार्ड, इन सब पर जब करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? माय लॉर्ड, केवल जब मंदिरों की बात आती है, तभी क्यों गरीबों की याद आती है?
अगर उस धनराशि का थोड़ा सा भी भाग गरीबों को खिलाने में लगाया होता तो पूरे विश्व की भूख की समस्या हल हो जाती। ज्यादा दूर क्यों जाते हो जज साहब, ओ माय गॉड मूवी बनी 20 करोड़ रुपए में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 80 करोड़ का, तो माय लॉर्ड कुल मिलाकर मुनाफा कितना हुआ, 60 करोड़ का, पूरे 60 करोड़ का मुनाफा माय लॉर्ड, पूरे 60 करोड़ का। तो मेरा ये प्रश्न है, इसमें से कितना परसेंट भूखे गरीबों पर खर्च किया गया? 100% पॉसिबल ही नहीं। 50? नहीं। 25%? 25? माय लॉर्ड शायद सिर्फ 0%। और इन्हीं कांजी भाई से ही पूछ लीजिए, इन्होंने मुआवजे के 1 करोड़ में कितना परसेंट गरीबों को दान किया? माय लॉर्ड, ये मूवी कहती है कि धर्म श्रद्धा का धंधा करता है, बल्कि असलियत तो यह है माय लॉर्ड कि इस मूवी ने श्रद्धा की निंदा का धंधा किया है। माय लॉर्ड, श्रद्धा की निंदा का धंधा, और वो भी पूरे 60 करोड़।